हेलो सर, माय नेम इज डिएगो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको मजीद HD वीडियो मिल सके। ट्यूटोरियल की इंफॉर्मेशन अली सर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी MM स्टूडियो YouTube चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अली, और क्रिकेट 2007 कंप्लीट पैच मेकिंग कोर्स के लेसन नंबर 22 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम अपोलोजाइज बिकॉज लास्ट फ्यू डेज आई कैन नॉट मेक एनी वीडियो ट्यूटोरियल फॉर यू। यू नो व्हाट, आई एम स्टिल बिजी एट होम, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था किस तरह से फेस और बैट को एग्रेसिव करवाना था, वो हमने बिल्कुल सीख लिया था अच्छी तरह से। जिनको नहीं पता वो लेसन नंबर 21 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लें, उसमें ये भी आपको पता चल जाएगा किस तरह हम प्लेयर एडिटर को यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल नाउ। 22, मैं यहाँ से नोट पैड को ऑन करता हूँ। सो फ्रेंड, लेसन नंबर 22, हाउ टू सेट प्लेयर लाइन अप ऑर्डर फॉर क्रिकेट 07। प्लेयर लाइन अप ऑर्डर सभी को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। प्लेयर लाइन अप से मुराद, जैसे कि आपने प्लेइंग 11 देखा होगा, पाकिस्तान का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, वेस्ट इंडीज़ का, जिस तरह के आप देख सकते हो। अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो क्रिस गेल ओपनर, उसके साथ कोई और ओपनर। पाकिस्तान की बात की जाए तो शर्जील खान, वैसे मुझे इसका नाम लेने में बहुत ही शर्म आ रही है और मुझे दुख है कि इसने हमारे पाकिस्तान का नाम इतना ज़्यादा ख़राब किया, हमारी PSL को ख़राब किया। एनीवे व्हाटएवर, दफ़ा करो इस इंसान को, मुझे ऐसे इंसान से सख्त नफरत है जो अपने मुल्क को बेचते हैं। सो बहुत ही अफसोस की बात है। सो जैसे कि ये बंदा था, ठीक है, उसके साथ अज़हर अली, अज़हर अली के नीचे बाबर, बाबर के नीचे हफीज़, मलिक, उमर अकमल, इस तरह से नीचे नीचे चलते जाते हैं एंड तक बॉलरों तक, प्लेइंग 11 तक। ये होती है बैटिंग ऑर्डर या लाइन अप। इसको सेट करने के दो मेथड होते हैं, तो आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड, हियर इज टू मेथड टू सेट प्लेयर लाइन अप ऑर्डर फॉर क्रिकेट 07 PC गेम। बोथ मेथड इज वेरी इजी बट डिफरेंट ईच अदर। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट इन दीज मेथड्स। फर्स्ट मेथड, ओके, अब अपने ज़रा तवज्जो से मैं आपको साथ में ट्रांसलेशन भी करके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड, सेट प्लेयर लाइनअप विद द हेल्प ऑफ प्लेयर एडिटर सॉफ्टवेयर। जी, प्लेयर एडिटर की मदद से हम लाइनअप को सेट कर सकते हैं। जिनके माइंड में ये सवाल था काफ़ी दिनों से, या पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से, या सालों से, मुझे भी इसमें प्रॉब्लम है, तो ये सारा जो मटेरियल बना रहा, इसका क्रेडिट एक इंसान को मैं दे सकता हूँ, और वो है मोहम्मद मुजम्मिल, आई थिंक उसका नाम यही है। A2 स्टूडियो का वो बंदा है, ठीक है, मैं उसको अच्छी तरह से नहीं जानता, बट मैंने फेसबुक पर उसके से रब्ता किया और मैंने उससे पूछा कि प्लेयर लाइन अप एडिटर या प्लेइंग 11 को हम किस तरह से प्लेयर एडिटर से सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मॉडिफाइड पैच के ज़रिए ही उसको सेट करता था। तो मैं आपको बताऊंगा मॉडिफाई और प्लेयर एडिटर के दरमियान क्या फ़र्क है, इनमें डिफरेंस क्या चीज़ का है, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट गोज़ टू मोहम्मद मुजम्मिल, थैंक यू सर, अगर आप ये वीडियो देखें या आपको पता चले, तो ये सारा क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ। सो बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर ऑन प्लेयर एबिलिटी, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ये जो मेथड है फर्स्ट, ये लिटिल बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन प्लेयर एबिलिटी, क्योंकि ये प्लेयर एबिलिटी बैटिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है सेट प्लेयर लाइन अप विद द हेल्प ऑफ लाइन अप एडिटर सॉफ्टवेयर। दिस मेथड इज़ वेरी वेरी ईजी, यस, ये मेथड बहुत ईजी है। अब मैं इनका फ़र्क आपको बता देता हूँ कि फ़र्क क्या चीज़ है। फ़र्क सर ये है, अगर आप लाइन अप एडिटर से लाइन अप ऑर्डर सेट करते हो, इसका मैं बेनिफिट भी बताऊंगा और इसके जो डिस यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा प्लेयर एडिटर से। अगर इसके साथ हम सेट करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप जो इसके अंदर एक्जी फाइल होती ना, ये वाले आइकन वाली क्रिकेट की, ठीक है, इसके ज़रिए आप इसको प्ले कर सकोगे। आपको बस आपने फिर रोस्टर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद गेम प्ले करनी है, ठीक है। एक बेनिफिट इसका ये है। और नंबर दो,
इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि अगर आप पैच मेक कर रहे हो जिसमें टेस्ट भी हैं, ओडीआई भी है और टी20 भी है, ओडीआई और टी20 चलो सेम रख लेते हैं माना, लेकिन टेस्ट में वो प्लेयर नहीं होते, तो इसका जो डिसएडवांटेज है ना जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो ये है कि टेस्ट में भी वही प्लेयर खेलेंगे, ओडीआईज में भी वही प्लेयर खेलेंगे और टी20 में भी वही खेलेंगे। इसका बस यही एक जो मसला है ना सबसे ज़्यादा ये मसला है प्लेयर लाइन आप एडिटर से सेट करने का, तो हम दोनों ही सीखेंगे ठीक है। और अगर बात की जाए प्लेयर लाइन अप एडिटर की सॉफ्टवेयर की जो है, इसका बेनिफिट एक बहुत ज़बरदस्त है। बेनिफिट क्या है कि प्लेयर की एबिलिटी जितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, जिस जगह पर भी आपको प्लेयर रखना है ना आप उस जगह पर रखोगे और उसको ईजीली आप सेट कर सकेंगे चाहे जितनी प्लेयर की एबिलिटी है। इसके सारे ना डिसएडवांटेज इसका कोई भी नहीं है, बस एक है छोटा सा, वो ये है कि अगर आपने प्लेयर एडिटर से लाइनअप सेट की ना तो फिर आप इसके ज़रिए आप जो है ना भूल जाएं कि इसके ज़रिए आप प्ले कर सकोगे, इसके ज़रिए प्ले करोगे तो आपकी जो लाइनअप एडिटर है या रोस्टर है वो क्या क्रैश कर जाएगा। रीज़न क्या होगा, आपकी गेम हो सकता है क्रैश भी हो जाए या हैंग भी हो जाए, तो इसका बस ये एक छोटा सा मसला। बाकी मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, जो मैं अपने माइंड के मुताबिक आपको बताऊँगा, गाइड करता हूँ, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि आप ना प्लेयर एडिटर को छोड़ो, इस ऊपर वाले को, इसको पकड़ो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें ओडीआईज के जो प्लेयर हैं वो ओडीआईज में प्ले करेंगे और टेस्ट के जो हैं वो टेस्ट में प्ले करेंगे, बहुत मज़ा आता है। मीन अचानक आप अगर टेस्ट पर जाएंगे तो उसके प्लेयर डिफरेंट होंगे अंगेज वन डे के, यानी कि अगर टेस्ट पर जाएंगे तो उसके प्लेयर जो हैं वो डिफरेंट होंगे वन डे से, और वन डे के प्लेयर डिफरेंट होंगे उसके टेस्ट से। सो, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो मेरी जितनी भी पैचेज अब तक आई हैं तो आप देख सकते हो, तो मैंने स्पेशली इस बताया भी होता है कि आप इस आइकन के ज़रिए इसको प्ले करो, तो हम दोनों ही मेथड आज सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब बोर ना होइएगा ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक आर रोस्टर फाइल। रोस्टर फाइल जिसको बनानी आती है या नहीं बनानी आती वो लेसन नंबर मेरा 21 देख सकते हैं ठीक है, या उसके ऊपर वाला। एंड ओपन विद द प्लेयर एडिटर। प्लेयर एडिटर की मदद से आपने उसको ओपन करना है एंड सेलेक्ट योर करेक्ट प्लेयर नेम रोस्टर। यानी कि आपने क्या करना है, रोस्टर मेक कर लेना है और साथ में आपने जो जो आपने स्कोर में अपने प्लेयर रखने हैं उनके नाम भी आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मेक कर लेने हैं ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से मेक कर लेने हैं, मीन उसका नाम करेक्ट कर लेने हैं ठीक है, वो हमें रोस्टर चाहिए। नाउ सेलेक्ट योर टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया या वट एवर यू वॉन्ट, देन गो टू एडिट स्कोर, पिक योर फेवरेट प्लेयर्स ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे साथ में सॉफ्टवेयर भी ऑन कर लेता हूँ ठीक है। मेरे पास रोस्टर है जो मैंने ऑलरेडी बिल्कुल ज़बरदस्त नाम से ना एडिट किया हुआ है ठीक है, जिसके अंदर सारे नाम करेक्ट मैंने डाले हुए हैं ठीक है, तो वो मैं यहाँ से प्लेयर एडिटर से सिलेक्ट करवा लेता हूँ ठीक है। अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान पर आता हूँ तो ये देखें, गो टू एडिट स्कोर्स, तो ये देखें यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने ना सही बिल्कुल करेक्ट नाम के साथ यहाँ पे डाले हुए हैं ठीक है, प्लेयर जितने भी हैं। हाँ जी करेक्ट, पिक योर। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट रखती है, नोट क्या है, इन प्लेयर एडिटर सेलेक्ट 20 प्लेयर स्कोर्स अदरवाइज योर रोस्टर क्रैश। यानी कि अगर आप यहाँ पे आओ इस चीज़ को देखो, ये देखें 20/20 मीन यहाँ पे जो प्लेयर हैं वो 20 होने चाहिए। अब ये जो खाली जगह है मैंने आपको बताया हुआ लास्ट ट्यूटोरियल में, ये किस तरह से हमने अपने प्लेयर स्कोर को कम या ज़्यादा करना है, अगर जिनको नहीं पता वो मेरे लास्ट ट्यूटोरियल देख सकते हैं ठीक है। बट यू यहाँ पे मैंने ये भी टाइप कर दिया है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू एड 16/11 प्लेयर, यानी कि आप 16 भी प्ले रख सकते हो और सिर्फ 11 भी रख सकते हो, यू हैव टू एड वन एम्प्टी प्लेयर नेम। ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल का भी आगे थोड़ा सा ऐड कर दिया है, जिन्होंने देखा उनको पता चल गया होगा। प्लेयर एंड आल्सो ऑल एबिलिटी अ वैल्यू बेस्ट ऑप्शन वॉच माई ट्यूटोरियल 21 वीडियो ट्यूटोरियल ठीक है, आप वो 21 वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन मैंने ये दे दिया बताने से बेहतर है। वन मोर थिंग रिमेंबर, आपने ये चीज़ बहुत याद रखनी है, ये जो एक चीज़ है, इन स्कोर यू हैव टू सेलेक्ट ओनली टू ओपनर, यानी आपके जो स्कोर है उसमें दो ही ओपनर के नाम होने चाहिए ठीक है।
3 to 6 मिडिल ऑर्डर, आगे मैं चल के आपको जरूर बताऊंगा जब प्रैक्टिकल करेंगे। 7 to 11 टेल एंडर या लोअर ऑर्डर, ठीक है। आफ्टर सेलेक्ट, आफ्टर सेलेक्ट प्लेयर्स कोड्स, सेलेक्ट योर प्लेयर यू वांट टू टॉप, सो गो टू बैटिंग एबिलिटी। जी, सारा का सारा जिस प्लेयर को आप टॉप पर ले जाना चाहते हो, मीन ओपनर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एक चीज डिपेंड करती है, वो है बैटिंग एबिलिटी। बस छोटी सी ट्रिक है, आपने देखा होगा इतने इतने बड़े बड़े जैसे मोहम्मद मुजम्मिल है या और कोई है, वो कहते हैं जी हम रोस्टर बनाते हैं, तो अब आप भी बना सकोगे। सिर्फ बैटिंग एबिलिटी को डिक्रीज या इंक्रीज करने से आप प्लेयर को अप डाउन कर सकते हैं, ये है छोटी सी ट्रिक, ठीक है। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो बैटिंग एबिलिटी एंड इंक्रीज, देन सेम मेथड अप्लाई, ये देखें, गो टू बैटिंग एबिलिटी, ठीक है। एक प्लेयर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है, गो टू अ बैटिंग एबिलिटी एंड इंक्रीज, ठीक है। देन फिर सेम मेथड अप्लाई टू, यानी कि सेकंड प्लेयर, जो आपने सेकंड रखना उसके, बट दिस टाइम बैटिंग एबिलिटी लिटिल बिट लो, जो पहले वाला है ना, पहला जो हमने रखना उससे थोड़ी सी लो करते जाना नीचे तक, एंड तक। एग्जाम्पल, प्लेयर बैटिंग एबिलिटी पहले की जो है कितनी, 90, एंड सेकंड की 85, थर्ड की 75, 86, इस तरह। नीचे मैंने थोड़ी सी और भी डिटेल डाल दी है, जैसे कि ये देखिए प्लेयर लिस्ट, फर्स्ट टू जो है ओपनर, इनकी बैटिंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए, 98 या 90, और सेकंड वाले की ओपनर की क्या हो जानी है, उससे कम, मिडल ऑर्डर की उससे कम, उससे नीचे वाले की उससे कम, उससे नीचे वाले की उससे कम, उससे कम, उससे कम, और इस तरह 11 प्लेयर आप ऐड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना गेम को प्ले करके रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ जी गेम मोड डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे वनडे डोमेस्टिक सीरीज जो मैं पैच बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे सारे प्लेयर के नेम जो है ना बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अब देखें ये ऊपर नीचे अप डाउन इस तरफ हुए हैं, आप देख सकते हो कि ये देखें उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया का है ना वो ओपनर आता है, डेविड वार्नर ऑलरेडी ओपनर है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल देखें कहाँ पे वन डाउन आया हुआ है, इस तरह आप देख सकते हैं स्टीवन स्मिथ 6 नंबर पर आया हुआ। हम अब इसको अच्छी तरह से प्लेयर लाइन ऑपरेटर को किस तरह से ओके कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे ना छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आपने अपनी मर्जी से करना है, जैसे मर्जी करना, बस मैंने आपको समझाना है, गाइड करना है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ से जी, मैं एक प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल है ना जो, ठीक है, इसको मैं लेके आता हूँ इसकी जगह पे, स्टीवन स्मिथ की जगह पे, और स्टीवन स्मिथ को लेके जाता हूँ ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे, मीन स्टीवन स्मिथ 3 और ग्लेन मैक्सवेल 7, 6 पर लेके आता हूँ, ठीक है। यानी कि इन दो प्लेयर को मैं अब आपके सामने अप डाउन करूंगा, ठीक है। और बॉलर हमने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। तो मैं गेम को यहाँ से क्या करता हूँ, मिनिमाइज। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, प्लेयर एडिटर को ऑन करता हूँ, उसके बाद अपने रोस्टर को ओपन करवा लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ से आपने टीम सेलेक्ट करनी है ऑस्ट्रेलिया, स्कोर में आ देना है, एडिट स्कोर में, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जो है सिलेक्ट है, ठीक है, ओके जी। अब मैं यहाँ पे ये जो ऊपर वाली बार है इसमें क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सॉरी मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, अगर कोई भी आपने बॉलर सेलेक्ट करना है ना, जैसे कि मिचेल स्टॉक है, तो आपने सिंपल क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मिचेल स्टॉक में यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये देखें मिचेल मार्श हो गया और मिचेल स्टॉक, मैं मिचेल स्टॉक पर जाता हूँ कीबोर्ड की मदद से। अब देख सकते हैं इसको कैसे सिलेक्ट फर्स्ट बॉलर पर कराना, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे प्ले प्लेयर रोल पर आना और सबसे पहले ओपनर कर देना, ओपनिंग बॉलर, ठीक है, दो ही होंगे हमेशा, ठीक हो गया, बस सिंपल, ये खुद ही जो 1 या 2 खुद ही हो जाएगा। इस तरह कोई और दूसरा बॉलर तो उसको आपने ओपनिंग बॉलर उसका भी नाम रख देना, बाकी आपके जितने भी स्कोर में होंगे मीन ये इसके अंदर कोई और ओपनर बॉलर ना हो ये आपने याद रखनी है, उसके ऊपर यानी कि कोई भी हो उसके साथ ये वाला ऑप्शन ना लगा हो, बॉलर लगा देना है, ठीक है, बट
ओपनिंग बॉलर नहीं लगाना, अदरवाइज वो रिप्लेस हो जाएंगे, फिर आप तंग हो गए। अगर फिर भी आप ओपनिंग बॉलर लगाना चाहते हो तो आपने क्या करना, बैटिंग एबिलिटी में आपके उसकी एबिलिटी को कम कर देना, तो वो फिर आपकी जगह नहीं लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ट्यूटोरियल है, स्टीवन स्मिथ की जगह पे हमने ग्रैंड मैक्सवेल, और मैक्सवेल की जगह पे हमने स्टीवन स्मिथ को ऐड करना है। तो क्या करते हैं जी, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रैंड मैक्सवेल को स्टीवन स्मिथ और स्टीवन स्मिथ को ग्रैंड मैक्सवेल की तरह, ताकि आपको कुछ फर्क ना लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है सर, कोई इसमें ज़्यादा साइंस नहीं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ग्रैंड मैक्सवेल को यहाँ से साइंस करता हूँ, मैं जी दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट पर आ गए ग्रैंड मैक्सवेल। ओके जी, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैटिंग एबिलिटी टैब पर, ये मैं आ गया, ये इसको मैंने प्रेस किया, तो देखें इसकी बैटिंग एबिलिटी आप चेक कर सकते, स्किल्स 90, कनेक्शन 92, इस तरह अटैकिंग, ये सारा ज़बरदस्त। आपने क्या करना, इन सारे पॉइंट्स को आपने लिख लेना या नोट कर लेना। आप लिखेंगे तो इतना टाइम हमारा, अब लिखेंगे तो हमारा इतना टाइम ज़ाया होगा, ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12 12 हो जाएगा, जो कैसे हम लिखेंगे। तो हमने सिंपल क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से ना, छोटी सी ट्रिक है, प्रिंट स्क्रीन आपने प्रेस कर देना। क्या, प्रिंट स्क्रीन, ये मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और पेंट, पेंट में आने के बाद एडिट या कंट्रोल वी से आपने पेस्ट करवा देना। ये देखिए इसकी स्नैप बन गई ग्रैंड मैक्सवेल की। प्लेयर एडिटर को भी साथ में ओपन कर लेना आपने। अब क्या करना है, मैं यहाँ से स्टीवन स्मिथ को यहाँ से सिलेक्ट कर, जैसे मैंने एस प्रेस किया तो देखिए लिस्ट आ गई, यहाँ से मैंने स्टीवन स्मिथ को, अब देखें इसकी एबिलिटी और इसकी एबिलिटी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए ये स्टीवन स्मिथ 6 पर था और ये ग्रैंड मैक्सवेल टॉप पर था। तो अब आपने क्या करना, अब आपने ना दोबारा से प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड से प्रेस करना है। मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट नहीं करवाना, फिलहाल उसको ऐसे ही रहने देना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एबिलिटी है ना इसकी, स्टीवन स्मिथ को देता हूँ। तो पहला जो वाला है 90, दूसरा है 92, अब देख लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तीसरा है 96 और चौथा है 94 और पांचवा है जी 88, इसी तरह 90 एंड नीचे भी है 90 और 88, 84, 92, और से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें। अब क्या करना, स्टीवन स्मिथ को यहाँ पे सेव, ठीक हो गया। अब देखें ग्रैंड मैक्सवेल की भी वही होगी और स्टीवन स्मिथ की भी वही होगी। अब आपको याद होगा कि मैंने ग्रैंड मैक्सवेल पर और स्टीवन स्मिथ पर मैंने जो इसकी ओरिजिनल थी उसको मैंने कॉपी किया हुआ प्रिंट स्क्रीन से। अब मैं एडिट पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट, ये देखें ये पहले वाली स्टीवन स्मिथ की, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम इसको प्रिंट स्क्रीन किया था। अब मैं यहाँ पे ग्रैंड मैक्सवेल पर जाता हूँ दोबारा से, अब देखें ग्रैंड मैक्सवेल की वो भी पहले वाली है। अब हमने क्या करना, स्टीवन स्मिथ की जो थी वो इसको दे देनी है 72। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैंने क्या किया, उम्मीद तो है। ओके जी, ये आपको कोई नहीं ऐसे बताएगा, ठीक है, मैं यहाँ से इनकी सारी आपने एबिलिटी, सारे प्लेयर्स की एबिलिटी को ना इस तरह जिसको आपने टॉप पर रखना है, जैसे कि मैंने बताया ओपनिंग पे भी आपको पता, मैंने बता दिया कि किस तरह ओपनिंग बॉलर सिलेक्ट करने दो होंगे, इसी तरह आपने जो भी प्लेयर ऊपर रखना है ना उसको ओपनर आपने जाना है और दे देना है, ठीक है, इस तरह। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ना प्लेयर एडिटर की मदद से लाइनअप सेट करेंगे। यहाँ से मैं देखें ये जो स्टीवन स्मिथ की थी वो मैंने ग्रैंड मैक्सवेल को दे दी और सेव कर दिया, ठीक है। अगर मैं पर्सनल पर आता हूँ तो देख सकते हैं आप इसकी पोजीशन जो है मिडल ऑर्डर है, ठीक है, ऑलराउंडर। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं गेम को दोबारा से प्ले करके आपको दिखाता हूँ क्या हमारी चेंजिंग हुई है या। तो मैं गेम को दोबारा से प्ले किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, कोई मेरे दोस्त ये मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने अभी तक रिलीज पैच क्यों नहीं की। मैं पैच रिलीज करूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ ना, मीन आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ कि किस तरह पैच बनाते हैं, इसलिए ये पैच लेट होगी। अदरवाइज आपको मेरा पता है, सबको पता है जो मेरे फैन है, कि मैं तो 1-2 दिन में पैच रेडी कर देता हूँ। तो मैं मूड पर जाता हूँ, डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलियन वनडे शेड्यूल सेलेक्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मैं जी, लो फ्रेंड आप देख सकते हो स्टीवन स्मिथ हमारा तीसरे नंबर पर चला गया, ठीक है।
और हमारा ग्रेन मैक्सवेल यहाँ से गायब हो गया, वो आ गया इस जगह पर इधर। अब इधर ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर किसी की एबिलिटीज के सेम हो गई, इसलिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ग्रेन मैक्सवेल आ जाए इस जगह पर या इस ट्रेविस हेड पर आ जाए, तो आपने क्या करना, ट्रेविस हेड की ग्रेन मैक्सवेल को देनी है और ग्रेन मैक्सवेल की ट्रेविस हेड को देनी है, तो ये इस तरह तब्दील हो जाएंगे। ये बस थोड़ा सा ना डिफिकल्ट इसलिए है कि ये थोड़ा सा ना हमें बड़ा तंग करता है, बैटिंग एबिलिटी कभी ऊपर कभी आउट कभी डाउन, इस तरह से ये काफ़ी हमें तंग करता है। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना, ठीक है, वो सेकेंड मेथड है, वो है प्लेयर एडिटर की मदद से। उसकी मदद से आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरह के ना आप बना सकते हो लाइनअप, ऑर्डर सेट कर सकते हो वनडे के लिए और टेस्ट के लिए भी। उसके लिए सिंपल आपको एक मॉडिफाइड पैच की ज़रूरत पड़ेगी। वो पैच क्या है उसका मेरा ऑलरेडी जो ना ट्यूटोरियल आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने ना चैनल पर जाता हूँ, यूट्यूब चैनल पर, तो मैं आपको दिखा। ऑलरेडी एक इसका ना ट्यूटोरियल है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, किधर चला गया, वीडियोस में जाता हूँ, वो तो मिल ही नहीं रहा मुझे। ये देखिए, ये हाउ टू सेट प्लेयर लाइन अप ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ लाइन अप एडिटर। अगर आप ये देख सकते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि सेकंड ट्यूटोरियल मेरा फिर से यही आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने इतनी ख़ास तवज्जो से नहीं बताया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ है इस ट्यूटोरियल में, आप इसको भी देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो लाइनअप एडिटर की मदद से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक छोटी सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि प्लेयर की बैटिंग को जिस तरह से हम ज़्यादा या कम करते हैं, वो कभी इस तरफ आ जाता है कभी उस तरफ चला जाता है, तो बस इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ आपने सिंपल अगर इस पैच इस आइकन के ज़रिए गेम ने को रन करवाना, तो आपको प्लेयर एडिटर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मॉडिफाइड पैच यूज़ करनी है तो वो भी बेस्ट है, वो भी बिल्कुल बेस्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो इससे भी अच्छी है, मुझे तो वही पसंद है, मैंने हर पैच में अपनी में वही डाला हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मुझे पता है ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो करो, इंटरेस्टिंग को आप गोली मारो एक दफ़ा, सिर्फ आप सीखो, उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या आपको सिखाया, आप ज़रूर मेरा शुक्रिया अदा करोगे। सो मैं फिर से एक दफ़ा सॉरी करता हूँ, इंशाल्लाह रेगुलर मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा और हम इसको पैच को जल्दी जल्दी इस कोर्स को एंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जो मेन मेन्यू है, मेन ये जो हम यहाँ से गेम को स्टार्ट करते हैं, इस सारी चीज़ों को तब्दील करेंगे। ये वाली जो इसका ये जो लोगो देख रहे हैं आप, इसको ये वाला लोगो और ये बैक स्क्रीन पर जो आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है, इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ये जो एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है, इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारा का सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, और जिस काम पर मैं पढ़ा हुआ हूँ आप ये भी दुआ कीजिएगा कि वो भी अल्लाह करे तो मेरा सही हो जाए। सो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।